But no. लगा दिया तुम लोगों ने यार। अबे यार कुछ क्या डरपोक है यार। गाइस सेल्फी टाइम। ये देख कुमकरण। बेबी कम हियर, लेट्स टेक अ सेल्फी। ओए लव बर्ड्स। अरे स्माइल ना बाबा। ओके इनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है अगर बताऊंगा तो फ्यूज उड़ जाएगा दिमाग का, इसलिए बेटर है कि देख ही लो। साहेब दिन भर एप्पल पे बैठा बैठा काम मत किया कर, कभी कभी एप्पल खा भी लिया कर। ये साइबर प्राणी एक बड़ी आईटी कंपनी का छोटा सा नौकर है, पता नहीं क्या सोच के माँ बाप ने नाम साहेब रख दिया। नो भांगड़ा, नो दारू, नो गुस्सा, कलंक है बेसिकली पंजाबियों के नाम पे। सैनी की कर रहे हैं यार? की कर रहा सैनी यार? कोई पंजाबी तो हमेशा दूसरे की मदद करते हैं प्रावा। बात तो सही है, तुम लोग रोज अपने पंजाबी भाई को बुली करते हो यार। चल लग जा काम पे जल्दी से। ये जो हॉट लड़की है इसका नाम है तानिया, मस्त है ना? सॉरी डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो ये योगा इंस्ट्रक्टर है और इसे विश्वास है कि योगा से होगा, क्या ये इसको भी नहीं पता। इसकी एक कमाल फैमिली है जो इसे प्यार भी करती है और इसके दिमाग की दही भी। हाय तानिया। हाय, ग्रेट सेशन। थैंक यू। आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। या अगले महीने दिल्ली में एक इंटरनेशनल योगा कन्वेंशन होने वाला है एंड आई वांट टू लीड इट। वन सेकंड। हो गया क्लास? हाँ माँ, नाश्ता किया? नाश्ता किया और लंच भी टाइम पर कर लो। अच्छा दीदी, आज ना मैं अपने दोस्तों को मिल रही हूँ कॉफी पे, तो आपकी वाली डेनिम जैकेट पहन लो। पहन ले। अरे तनु बेटा, देख आज ज्यादा देर मत करना, आज हम सब फिल्म देखने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स पापा। चलो बाय बेटा। इस बिचारी को कोई आइडिया नहीं है कि आज शाम फिर से इसके दिमाग का दही बल्ला होने वाला है। मुझे इवेंट पे जाना है। ओके मैम। मेक इट क्विक, ये लुक चाहिए क्विक। श्योर मैम। पिया? ये है पिया डिसूजा, खड़ूस औरतों को हैंडल करना इसकी स्पेशलिटी है। खुद को आर्टिस्ट मानती, पिकासो टाइप, और क्यों ना माने, खड़ूस औरतों को स्माइल करवा पाना भी बहुत बड़ी आर्ट है। लेकिन पिया की लाइफ की भी एक अजीब प्रॉब्लम है, जैसे विक्रम के पीछे बेताल पड़ा हुआ था वैसे ही इसके पीछे भी एक बेताल पड़ा हुआ है, इसका स्टॉकर। जैसे बालों में चिंगम चिपक जाती है, ये पिया की लाइफ में चिपका हुआ है। पिया की पुलिस कंप्लेंट के बाद इसने पिया का पीछा करना तो छोड़ दिया, पर अब मैं जहां पे भी जाती हूँ ना वहां पहले ही पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कि ये नहीं मैं इसका पीछा कर रही हूँ। गॉड ग्रॉस। ये है बिनॉय, प्यार से सब इसे बुन्नू बुलाते हैं। इसे अपने खूंखार बॉस का इतना डर स्लैश फियर स्लैश भय है कि ये बेचारा पूरे दिन बस यही सोचता रहता है कि ऐसा क्या करे कि बॉस की गाली ना खानी पड़े। लेकिन इसका बॉस भी जिद्दी है। अरे सर आप यहाँ? किसी का इंतजार कर रहे हो? मैं हूँ ना। अरे सर स्टोर रूम में कोई आता ही नहीं है, पिछले एक घंटे से मैं स्टोर रूम को साफ कर रहा था, इतना कचर पट्टी हो गया था सर, कोई आता ही नहीं है। वैसे आज आप लेट कैसे हो गए? आजा आजा। अरे हरी अब। वरुण वो पिंक वाला बापे। हाँ जी सर। क्या है? शर्ट ब्लू के बीच में मरून। सर ये मरून नहीं, वरुण को रखा हुआ। व्हाट? मेरा मतलब है मरून को वरुण ने रखा हुआ। दो मिनट में सब सही करो। आई विल बी बैक। ब्लडी मेस।
Yes, you. एक सवाल पूछना था आपसे. पूछिए. धनिया किधर मिलेगा? धनिया किधर मिलेगा? हेलो. धनिया किधर मिलेगा? हेलो. ये है हमारा हीरो अमरबीर. इसकी लाइफ में एक अलग ही पिक्चर चल रही है जिसका नाम है गलत फहमी. इसका चॉइस ऑफ प्रोफेशन भी कमाल है. ये सपने देखने का काम करता है. अनफॉर्चुनेटली सपनों के बाहर इसकी लाइफ इसके बाप के स्टोर में ही अटकी हुई है. क्या? धनिया किधर मिलेगा पूछ रही हूँ मैं. मैडम धनिया आपको यहाँ मिल जाएगा. हाँ यहाँ पे. एंड कसूरी मेथी कहाँ? कसूरी मेथी आगे से लेफ्ट नहीं राइट. ही इज राइट. बेटा काम के टाइम पे सपने देखेगा ना तो गल्ले पे कौन बैठेगा? गल्ला. Dad, for the last time, it's not galla, Dad. It's cash counter. तू ऐसे सज धज के क्यों घूम रहा है जैसे मेले में घूम रहा है? मेला? Who goes to a mela, Dad? और ये swag है मेरा. पता नहीं कब किस वक्त कोई producer director मुझे देख के hero का role offer कर दे. I gotta be ready. चालू हो गया. और जिस दिन मुझे award मिलेगा ना, today, I would like to thank my father, Mr. Karambir Bajwa. आज मैं जो कुछ भी हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ. Thank you. और आप ऐसे बेटे को ये दाल चावल साबुन टिकिया बेचने को बोल रहे हो? No, not gonna happen. और आपको ये बात तब समझ में आएगी, Dad, जब चारों तरफ मेरे पोस्टर्स लगेंगे. Give it to me, Dad. Give it. बेटा तेरे पोस्टर जब लगेंगे तब लगेंगे. फिलहाल ये च्यवनप्राश का पोस्टर पूरे स्टोर में लगा दे. समझा? च्यवनप्राश? No, Dad. Not please. Dad, no च्यवनप्राश. Avocado, olive oil, ऐसा कुछ लगाते हैं ना? सुनने में तो अच्छा लगे. कल को आप बोलोगे सांडे के दिल का पोस्टर लगा दे. यार ऐसा नहीं होता है. Dad, भूलो मत. दुकान का नाम है Amar Stores. I'm putting my foot down. गल्ले पे बैठ. Dad. Hi guys, I'm finally home. कब जा रहे हैं पिक्चर देखने? इसे तो बस फिल्म देखने की पड़ी. जब मैं तेरी जितनी थी ना मेरे दो बच्चे भी हो गए थे. और तू आज तक अपनी माँ से अपना टिफिन पैक कराती? What? अरे बेटा शादी कब करेगी तू? दीदी अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मेरी कैसे होगी? बस जैकेट ही पहनाते रहना. कभी शादी का जोड़ा मत पहनने देना. तानिया 5 लड़के तेरे लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं मैंने. इनमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा तुझे. शादी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और आपके लिए उस इन्वेस्टमेंट का ख्याल हम रखते हैं. हर साल मार्केट में कुछ गिने चुने अच्छे रिश्ते रिलीज होते हैं और उन अच्छे रिश्तों में से बेस्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल रिश्तों को सही क्लाइंट्स तक पहुंचाना तिवारी अलायंसेस का काम है. समझता क्या है अपने आपको? वो इंसान नहीं वायरस है. वायरस जब भी आता है पूरे घर का दिमाग खराब करके चला जाता है और फिर एक महीने तक पूरे घर में मेरी शादी की बीन बजती रहती है. तानिया अगर इतना ही तुरम खान है तो खुद अपना कुआरा क्यों बैठा हुआ है? अरे बेटा दूसरों की जिंदगी में जहर डालकर खुद अयाशी की जिंदगी जी रहा है. आप लोग समझते क्यों नहीं वो रिश्ते जोड़ता नहीं तोड़ता है. एंड यू गाइस फॉल फॉर इट एवरी सिंगल टाइम. काम डाउन काम डाउन. ब्रीथ इन ब्रीथ इन ब्रीथ इन. बहुत हो गया इंट्रो. अब कहानी शुरू करते हैं क्योंकि इन सबकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जो इन सबकी लाइफ के रॉकेट की बम में आग लगा देगा. और जब बम में आग लगती है तो क्या होता है पता है ना? चाय और आइसक्रीम? ब्लैक टी? तुम डिसाइड कर रहे हैं यार बुन्नू. नूडल्स ले लिया मैंने. और हाँ ग्रीन चटनी. ये टाइम में बड़ा पाव. ये टाइम पे वड़ा पाव नहीं मिलेगा. ओके ओके हाँ मैं आ रहा हूं अभी. ये कैसे गिरा आसमान टक्कू सारा? हेलो दादा का कुआं स्टोर बंद हो गया है. एंडोनी इनाशु कोरिया कोजी. ये तीन आइटम नहीं मिलता इधर. अरे ये तीनों आइटम मेरा नाम है. लाइक नील किंग यू गाइस. यस आप मेरे को प्यार से टोनी बुला सकती है. ओके टोनी व्हाट डू यू वांट? पोस्टर चिपकाना था सर. सांडे का तेल. सांडे? नो आउट. सांडे का तेल एल्ला सर. मेरे को एक रिसोर्ट का पोस्टर चिपकाना था सर. एक मिनट. वंडर विला सर. वंडर विला? नया रिसोर्ट है सर. थोड़ा पब्लिसिटी चाहिए. मैं आपको पैसे नहीं दे सकती
लेकिन बदले में कुछ और दे सकती है। मतलब क्या तेरा? मतलब ये सर कि आपका फैमिली और फ्रेंड्स को वीकेंड का स्टे फ्री। सच सर? डोंट प्रॉमिस सर। मम्मी प्रॉमिस? यस सर, मम्मी प्रॉमिस। कहाँ लगाना? जा तुमको। ओके कब? चलो। इसके बाद तो सीधा अपने हनीमून पे जाऊंगी अपने होने वाले पति के साथ। टमाटर बड़े मजेदार है। टमाटर बड़े मजेदार। तेरे को बड़ी हंसी आ रही है। आदाब, वेलकम टू वंडर विला। हम पांच, आप पांच का ख्याल रखेंगे। गाइज, ये तो चाइल्ड लेबर है यार, हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। ओए, तुम समझ नहीं आया, असी मालिक हां, नौकर शौकर नहीं। ये प्रॉपर्टी हमारे पेरेंट्स की है, लेकिन वेकेशन में इसे हम पांच चलाते हैं। ये कैसे टाइप के बच्चे हैं? वेकेशन पे भी काम करते हैं? माझा नाव कियारा, ओनर आणि जनरल मैनेजर ऑफ वंडर विला। मॉन्टू, ओनर एंड हेड ऑफ सिक्योरिटी। प्लस रूम सर्विस। गणेश, ओनर एंड हेड शेफ। जे जे पैट्रिक, ओनर एंड हेड ऑफ एंटरटेनमेंट। प्लस रूम सर्विस। लगता है इतना ही स्टाफ है। और मैं सहर, ओनर, रिसेप्शनिस्ट, हेल्प डेस्क एंड कॉन्सियर्ज। आपकी सेवा में हमेशा हाजिर। अतिथि कृपया ध्यान दें, इस घर में पांच मुख्य कमरे हैं, तीन कमरे इस तरफ और दो कमरे उस तरफ। बॉयज दिस साइड
and girls that side. Chala, मैं आपको आपके rooms दिखाती हूँ. एक second, एक second, एक second. I smell books. यहाँ पे library है क्या? हाँ. Library इस तरफ है. Guys, मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ. Bye. भूख लगी है? हमेशा. I'll see you up. Non-veg मिलेगा क्या? I'm coming for you. क्या देख रहे हो? चलो. This way. यार, तुम्हारे खाने की मॉलिक्यूलर कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है. जस्ट लुक एट दिस गाइस. नो मैन, नो, कम ऑन. सीरियसली साहिब, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? कंपास और प्रोटेक्टर से रोटियां बनाता है. घर में चूल्हे की जगह बंसन बर्नर है. गणेश, आज तुमने प्रूव कर दिया कि खाना वही अच्छा बना सकता है जिसे खाने का शौक हो. मुझे खाने का शौक नहीं है, खाने का शौक तो मोंटू को है. व्हाट? ये चिकन बिंगो, तेरे से बड़ा बाइसेप है मेरा, ये देख. वैसे गणेश, मेरी शादी पे खाना तुम ही बनाना. अब लड़का तो तिवारी की पसंद का होगा, कम से कम खाना तो मेरी पसंद का हो. वाह, गणेश का खाना और तान्या का ताना, मजा आ गया यार. वैसे तान्या ने बात तो सही बोली है ना वीर? नो तान्या, लड़का तिवारी की पसंद का क्यों होगा? तुम्हारे सामने इतना गुड लुकिंग हैंडसम लड़का बैठा है जो तुम्हें हजार बार सॉरी बोल चुका है, तुम्हारे नाम का टैटू करवा चुका है और फिर भी तुम गुस्सा हो. हाय, आई एम हर्ट. मेरे नाम में वाई नहीं, आए है. आए आए, देखा फिर से आए. व्हाट अबाउट अस यार? स्टॉप इट अमर. अमर स्टॉप इट यार, वापस करियो. कितना खाता यार. अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों के बीच में हुआ क्या था? आज तो बता दो यार. ये हीरो मेरे पेरेंट्स से मिलने मेरे घर आने वाला था. ओ नहीं जी, मैं वो नहीं हूं जो आप लोग समझ रहे हैं. मैं तो उसका दोस्त हूं, वो सबका एक सरदार बेस्ट फ्रेंड होता ना जी, वो मैं हूं. अच्छा तो वो क्यों नहीं आया? आंटी और चारे की मीटिंग में जाना पड़ गया. कैसी मीटिंग? वो हुआ ऐसा, एक बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर है, एकदम ही टाइम दे दिया. अब मना तो कर नहीं सकता था ना. तो वो फिल्मों में हीरो है? नहीं जी, हीरो नहीं है. नहीं है लेकिन बन जाएगा. स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, तो इस शहर में लाखों लोग आते हैं हीरो बनने का सपना लेके. अब लाखों में से किसी एक ही को चांस मिलता है जी, और मेरे दोस्त समर है ना, लाखों में एक है जी, लाखों में. और अगर हीरो भी नहीं बना तो? दिवाली बम्बर लॉटरी आंटी, हर साल दिवाली बम्बर लॉटरी का भी टिकट खरीदता है. और देखिए लॉटरी भी तो लाखों में से किसी एक ही की लगती है. और जैसा मैंने आपको पहले कहा कि मेरे दोस्त लाखों में एक है. बिल्कुल कॉपी पेस्ट अंकल, करेक्ट. अच्छा बेटा, मेरे मन में एक सवाल है, अगर आपके ये दोस्त की लॉटरी भी नहीं लगी तो? अरे उसके पिताजी का स्टोर है ना, अमर स्टोर्स. अच्छा जी, वहाँ पे आलू प्याज बर्तन घर का सारा सामान मिलता है जी, और आंटी डिस्काउंट भी बहुत अच्छा मिलता है. दुकान तो पिताजी संभालते होंगे जी. बिल्कुल. लड़का क्या करता है? आंटी कोशिश करता है ना. कोशिश? वाह, तुहाडा कोई जवाब ही नहीं. और ये बात भी सच है कि आप और आपका दोस्त ना लाखों में एक है, उसके लिए कोई लड़की भी लाखों में एक वाली ढूंढो. है जी, हमें बस माफ करो. ये
यार वो डायरेक्टर मेल था कि फीमेल? He's naughty, naughty. क्या कर रहा है? वो रात को मिलने गया था ना, इसलिए पूछ रहा हूँ. मेल, मेल. ओए, पुन्नू, तू बार बार मेरा ड्रिंक क्यों पी रहा है? पिया, मैंने नहीं पिया, पिया. अरे यार. बेल्डाल, बेल्डाल. Shut up. अभी अभी मैंने मग भरा था, खाली कैसे हो गया? गणेश, ले. कॉफी से भी चढ़ती है क्या? ओ, हेलो. उसको चढ़ी नहीं है. छत्तर मारा मैं तेरे. लाइब्रेरी में मेरी बुक्स पे डूडल्स बना के भाग के गया है. I believe you. बुन्नू, लाइब्रेरी. Actually, I believe that too. No. तो फिर कौन कर रहा है ये सब? अरे, आप तो हमारे गेस्ट हो. हम क्यों आपको तंग करें? तो क्या कोई भूत कर रहा है ये सब? इसीलिए फ्री स्टे दे रहे हो? गाइस यार, मैं सुसु जाने वाला था यार. हॉरर फिल्म्स में भी ऐसा ही होता है. जब कुछ दोस्त एक ऐसी जगह पे चिल कर रहे हो तो उनमें से एक दोस्त को सुसु आता है. हाँ, फिर जब वो जाता है तो बहुत देर तक वापस लौटता नहीं. और फिर उसे ढूंढने दूसरा दोस्त जाता है, वो भी नहीं लौटता. फिर दो लोग उन दोनों को ढूंढने जाते हैं. एक लड़का, एक लड़की, और वो भी नहीं लौटते. एक लड़की जो अकेली बैठी है, वो डर जाती है. और अचानक दूर से उड़ से. अरे रितु, हटते, डर लग रहा है. तुमको सुसु आया है, इसका मतलब ये नहीं ना कि हमें भी जाना पड़े. मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया. गाइस, मैं नहीं जा रहा सुसु करने. फट्टू, अबे जाना यार. कॉफी देना प्लीज. किसी को चलना है? सुसु जाएगा? अब चलना जल्दी, इधर झाड़ी में चलते. अरे अरे, आराम से भाई, इतना क्यों डर रहा है? भाई, जिन चीजों का साइंस के पास जवाब नहीं होता ना, उनसे डर लगता ही है. भाई, तुझे लोरी सुनाई दे रही है? भाई, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. मैं बस अंधेरे में तीर मार रहा हूं. अबे सुन ना, आवाज आ रही है मुझे यार. भाई मेरा तो हो गया, बुन्नू बुला रहा, निकलते हैं. हाँ, चल चल, मैं आ रहा. चलो 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 चलो. अभी ये टीवी को भी अभी खराब होना था, पता, इसलिए मैं हमेशा बड़े पर्दे में बिलीव करता हूँ. ये टीवी शो मुझे करना ही नहीं है. करेक्ट. तानिया, जस्ट FYI. ठीक है, तो फोन पे कोई फिल्म देख लेते हैं. अबे मैं बड़े पर्दे की बात कर रहा हूँ, तू और छोटे पे आ गया, फोन पे आ गया. क्या कर रहा है यार ये? खुद तो साला टीवी तक नहीं आ पाया, हमें बोल रहा है. ए, नेटवर्क आ रहा है क्या फोन पे तेरे में? ये क्या हो गया? लाइट भी गई. स्ट्रेंज. आई एम बोर्ड नाउ. एज ऑलवेज. सर, ए, हटा ना. सर, क्या है? आप बोर हो रहे हो ना? आंखों में क्यों मार रहा है? हमारे पास एक बोर्ड गेम है. आपसे पहले जो गेस्ट आए थे वो ये गेम छोड़कर गए थे. हाँ, क्या आप लोग वो गेम खेलना पसंद करेंगे? कौन सा गेम है? कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा है, हमें तो वो खेलना भी नहीं आता है. व्हाई नॉट, लेकर आप. हम अभी लेके आते हैं. ठीक है, लेके आओ. चलो. एक तो ये लाइट भी ना. मैं, I think the game is called blind man's buff. I can't see anything. बच्चे इतने अजीब क्यों हैं यार? कॉम्प्लिकेटेड सा गेम है.
ये दो ही जवाब है। मतलब? मतलब केस पे अपनी अपनी उंगलियां रख के सवाल पूछना होता है। किससे? किसी भी मरे हुए इंसान से। डरो मत, फन गेम है। बचपन में सोनू भैया ने मेरे मरे हुए दादाजी को बुलाया था। फिर क्या हुआ? उनकी आत्मा आई? आए भी और कान के नीचे बजा के बोला, जा अम्बकर। कुछ भी यार बुन्नू, सीरियसली भूत भूत कुछ नहीं होता। व्हाट रबिश। अरे सच में होता है। डरो मत, चलो गाइस इन्हें खेल के दिखाते हैं। इस कमरे में कोई है? गेम खेलते हैं ना? हाँ आप लोग तो चले जाओगे कल परसों, हमें तो यहीं रहना है। चूहे, आई थिंक द रैट्स इन द एटिक। भूख मार के कैंडल्स कौन बुझा रहा है? हाँ। गाइस प्लीज स्टॉप इट, बच्चे डर रहे हैं। तानिया, डर बच्चों को नहीं तुम्हें लग रहा है। अरे बच्चों घबराओ मत, ये भूत भूत कुछ नहीं होता और ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ, यहाँ कोई भूत या स्पिरिट है। अगर ऐसा कुछ होता तो ये प्लांचर अपने आप ही हिलने लगता। भूत होता तो सामने मत आओ, सामने मत आओ। कांधे में नीचे। Books.
कुछ याद आया? टाइटैनिक? Shut up, Bubbles! Maybe this is the safe house we can go. What is it? कितना मजा आया, कितना मजा। तुम लोग फ्री में इतना अच्छा एंटरटेन करते हो, पैसे लोगे तो पता नहीं क्या करोगे। मिस्टर जे जे पैट्रिक, हेड ऑफ एंटरटेनमेंट, वेरी वेल डन। और जनरल डैमेजर कियारा, वी वांट टू चेक आउट, व्हाट इज द प्रोसीजर? गाइस लेट्स गो, गाइस चलो लेट्स गो। कोई यहां से कहीं नहीं जाएगा। क्यों? थिंकिंग दिस फाइट विद दिस मैं क्या जाना तो एक दिन सबको है, फिलहाल हमें घर जाने दो प्लीज। नहीं देखो, हमारा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तुम लोगों को मालूम नहीं हम कौन है? नहीं पता हूँ। हम बताते हैं। तुम लोगों के कारण हम मरे और इस घर में हमेशा के लिए फंस गए। देखो, ये कोई बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। मैं जिस गाड़ी में बैठा होता हूँ ना, उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस एकदम नील होते हैं। हाँ, और तुम लोग इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो कि हमारी वजह से एक्सीडेंट हुआ? और किसी और की गाड़ी भी तो हो सकती थी। वी रियली डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। हाँ, और गाड़ी मैं चला रहा था और हम किसी से नहीं टकराए। पिया, बच्चा लोग एकदम सच बोल रही है। कौन है? क्योंकि उस दिन बैचल लोग का गाड़ी मैं चला रही थी, समझे? तू मैं बाहर कैसे गई मैं बताती। एक रियल एस्टेट एजेंट इस घर को बिकवाने के लिए, मैं उसका बॉडी में घुसकर इस घर से बाहर निकल पाया। ए बुल्लू, तेरा चप्पल। तुम लोग हमसे चाहते क्या हो? बदला। बदला मतलब? अरे बदला मतलब बदला रे, प्रतिकारम मतलब रंग बदला, मौसम बदला वाला बदला नहीं। तो फिर बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला ले गया तेरा भाईजान। रिवेंज, रिवेंज। अमर, भूत भगाने का कोई मंत्र है? कोई तो कुछ करो। चल तू चला, तू आई वाला को डाल, तू जल तू जला, तू आई वाला को डाल, तू जल तू जला, तू आई वाला को डाल, तू जल तू जला, तू आई वाला को डाल, तू जल तू जला, तू आई वाला को डाल, तू जल तू जला, तू आई वाला को डाल, तू जल तू जला, तू आई वाला को डाल, तू जल तू जला, तू आई वाला को डाल, तू जल तू जला, तू आई वाला को डाल, तू जल तू जला, तू आई वाला को डाल, तू जल तू जला, तू आई वाला को डाल, तू जल तू जला, तू आई वाला को डाल, तू जल तू जला, तू आई वाला को डाल, तू जल तू जला, तू आई वाला को डाल, तू जल तू जला, तू आई वाला को डाल, तू जल तू जला, तू आई। देखो, हम लोग डांसर्स नहीं है तुम लोगों की तरह। ए, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम लोगों को वही करना होगा जो हम बोलेंगे। अब से तुम हमारे गुलाम हो। क्या बोल रहे? चलो अब हमारे एंटरटेनमेंट का टाइम शुरू। नाच गाना करके दिखाओ। क्योंकि नाचोगे तो बचोगे। कुछ करना अमर, कमाल है यार। देखो, मैं एक्टर हूँ, मैं थोड़ा बहुत डांस कर लेता हूँ।
पर इनका तो डांस और गाने से दूर दूर का रिश्ता नहीं है, थोड़ा डिस्काउंट प्लीज। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है, मैथ्स इक्वेशन या डिबेट वगैरह करवा लो। अबे यार तू चल पीछे, आइंस्टाइन की औलाद। अपना ही सोच ले तू बस। तुम लोगों के कारण हमारा डांस इंडिया डांस जीतने का सपना अधूरा रह गया, और उसके साथ ना उस स्कॉर्पियंस एकेडमी को उसकी औकात दिखाने का भी। बच्चों हमें सच में नाचना गाना नहीं आता है। हाँ, हमारा नाच गाना देखकर तुम लोग हमें सच में मार डालोगे। ओ हेलो, बातें कम एंटरटेनमेंट ज्यादा। स्वीटी तेरा ड्रामा मचाए हंगामा, लड़ाई जो नजरिया जुल्म हुई गवा, हम तेरे हैं काला चश्मा चचदा है, चचदा है गोरे मुखड़े पे। मैं निकला वो गड्डी लेके रस्ते पर, एंटर वो सड़क पे, एंटर एक मोड़ आया, मैं उठे बुक छोड़ आया। चिट्टी तेरा ड्रामा मचाए हंगामा। टमाटर बड़े मजेदार है, आहा टमाटर बड़े मजेदार है, टमाटर बड़े मजेदार है, आहा टमाटर बड़े मजेदार है। चूचे चूचे चू हिजी चूचे चूचे चू टुंग टुंग बजे, टुंग टुंग बजे, टुंग 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 बजे बजे। पीछे जाओ टुंग ने, पीछे फिर तू ही कुछ कर ले। ये कम ऑन, क्या कर रही है? वाह टमाटर बड़े मजेदार है, आहा टमाटर बड़े मजेदार है, वाह टमाटर बड़े मजेदार है, आहा टमाटर बड़े मजेदार है, आहा टमाटर बड़े मजेदार है, आहा टमाटर बड़े मजेदार। ये वाला गाना नहीं, कोई अच्छा गाना गाओ। 5 सेकंड में अगर गाना नहीं गाया तो टॉर्चर शुरू होगा फिर से। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। अमर अमर कुछ कर, बचन बचन बचन, क्या था क्या था? अमर का यार लूरी। सो गए इतना चकाता हूँ क्या? ए गाना क्यों बंद कर दिया? सॉरी बेबी भूत। ला 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 शायद इसको अपना बचपन याद आ रहा होगा ना। ये कैसा लॉजिक है? यहाँ पे कुछ भी लॉजिक से हो रहा है क्या? ला 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 साहिब गाड़ी निकाल तू। भागा भागा, जल्दी बैठो यार। चलो जिस दिन इनको अपना गलती का एहसास होगा ना, ये लोग आएगा वापस। ए,
दो मिनट इनका ख्याल रखोगे? मैं कुछ चीजें लेकर आता हूँ। हाँ, श्योर। भैया को तंग नहीं करना आप। ओके दादू। डोंट वरी सर। वाओ, नाइस कार्स। रेसिंग करें? रेसिंग नहीं, डैशिंग करेंगे। से पड़ा, मतलब किसने रखा? हाँ। मैम, वो हमारे हॉस्टल का जो वार्डन था ना, वो स्टूडेंट्स को बहुत तंग करता था। कैसे? आपको गुड टच बैड टच पता है? ऑफ कोर्स। वो बैड टच करता था। व्हाट? और फिर एक दिन उस रॉकेट ने उसको ऐसा टच किया कि उसके बाद से उसने हमें कभी टच नहीं किया और हमारा नाम पड़ा रॉकेट गैंग। तो रॉकेट गैंग, हमें ये बताइए, आपने डीआईडी में आने का फैसला कैसे किया? हम सब की माओ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम सब ये कंपटीशन हमारी मदर्स के लिए जीतना चाहते हैं। मदर्स को डेडिकेट करना चाहते हैं। तुम लोगों के कारण हम मरे। तुम लोगों के कारण हमारा डांस इंडिया डांस जीतने का सपना अधूरा रह गया। गाड़ी तो मैं चला रहा था, सेल्फीज तो मैं ले रही थी। अमर ने तो मना भी किया था, but I forced him for that selfie. मुझे भी पता था it's dangerous. Oh my God. मगर मैंने भी कुछ नहीं किया। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, guys. तुम सब इस guilt के साथ कैसे जियोगे? हाँ?
मैं तो सो रहा था ना। क्या बोला तूने? मैं सो रहा था पिया, मैं एक्चुअली नहीं बुन्नू, मैं सो रहा था का क्या मतलब है? तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? क्या हम लोगों ने 5 बच्चों की जान ली है बुन्नू? अरे पिया नहीं, एक सेकेंड, तुझे मजाक लग रहा है क्या? ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। प्लीज टेल मी, ये मजाक कर रहा है? अगर मैं जागा होता तो शायद कुछ करता ना इस सिचुएशन के बारे में। मुझे रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेनी ना इस चीज की, मतलब की बात ही नहीं है। तू हमारे साथ था या नहीं था? अगर तुझे सेल्फी लेना होता तो गाड़ी रोक सकती थी ना। गाइस काम डाउन। बुन्नू हर चीज को बोलने का एक सही समय होता है यार, तू कभी भी कुछ भी बोलता है। कई जो गलती हुई है उसे हम सुधार तो नहीं सकते, पर उन बच्चों के लिए कुछ सही करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। I have a plan. It's bizarre and you will not like it. सॉरी बच्चों। लेकिन अब सॉरी बोलने का क्या फायदा? हम जिंदा थोड़ी ना हो जाएंगे। देखो हम जानते हैं कि हमारे सॉरी से तुम जिंदा नहीं हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा अधूरा सपना पूरा करने की मदद जरूर कर सकते हैं। कैसे? तुम लोग इस साल डीआईडी में पार्टिसिपेट करना चाहोगे? कैसे करेंगे? हमें तो कोई देख भी नहीं सकता है। हमारी बॉडीज यूज करके। बच्चों टोनी भी तो किसी रियल एस्टेट वाले की बॉडी में घुस के बाहर निकला था। वैसे ही तुम लोग हमारी बॉडीज यूज कर लो। बॉडीज हमारी, टैलेंट तुम्हारा। एक मिनट, शक्ल इनकी होगी, नाम भी ये कमाएंगे, हमको क्या मिलेगा? हमारा नाम लोगे स्टेज पर? प्रॉमिस? प्रॉमिस। गाइस टोनी कहाँ है? इधर ही था ना, यही तो कहाँ है? यही तो था, पता नहीं। टोनी चल आजा। Thank you.
हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस, जो है डांस का जंगिस्तान। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डीआईडी डांस की दुनिया का महासंग्राम। आज डीआईडी के ऑडिशन राउंड शुरू होने वाले हैं। And just look at the excitement. इतने लोग यहाँ मौजूद हैं और उनमें excitement देखिए. Over to you, Tanaz. Of course, Bakhtiyar. It's total madness over here. देश भर से लोग यहाँ आए अपना किस्मत try करने के लिए. हो सकता है इस शो के जरिए अपनी किस्मत ही बदल जाए. Let's go to some. Hey guys, welcome. Hi. 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 आप लोग का नाम? Rocket Gang. Rocket Gang. जी हम फैंस हैं उनके। हमारे साथ पिछले साल भी एक रॉकेट गैंग थी। जी हम उन्हीं का सपना पूरा करने आए हैं। That's fantastic. Then go ahead, Rocket Gang, Rocket. Thanks. See you all in the audition round. Welcome to DID. तनाज तुम्हें पता है हमारा अगला जज कौन है? Show guys. 3, 2, 1, and action. और हमारे नेक्स्ट जज है द टैलेंटेड ड्यूओ बॉस्को एंड सीजर। आप शुरू करते हैं ऑडिशन राउंड। So, अगला ग्रुप जो आ रहा है रॉकेट गैंग, सो प्लीज गिव देम अ डीआईडी स्टाइल राउंड ऑफ अप्लॉज। That was a setak wala attack performance. Suna hai ab DID Junior Rocket Gang ke fans ho and aapke moves bhi unke jaise kadak the. So keep it up. Aapka horror act dekh ke waqai mein lag raha tha ki aap possessed ho. I mean it was fantastic. Rocket Gang 2.0. Welcome to DID. Yeah. Comments kitne badhiya the na? Hamara naam kyun nahi liya? Are humne kaha na hum Rocket Gang hai. सिर्फ रॉकेट गैंग नहीं, हम सबका नाम लेना था। ऑडिशन राउंड में क्या कहते कि हमें भूत दिखते हैं जो हमारे अंदर घुस के डांस करते हैं? हाँ बरोबर है।
ऑडिशन राउंड में ही गेट आउट कर देते। गाइस, वी've क्लियर्ड द ऑडिशन राउंड, वी शुड सेलिब्रेट। यस, लड़का न्यूयॉर्क के बिजनेस हब मैनहट्टन में रहता है। अच्छा, शादी के बाद इसी बहाने अमेरिका घूमशू माना। ओह, वहाँ के बड़े फर्म में इन्वेस्टमेंट बैंकर है। लेकिन मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल, सवाल उठता है कि वो इन्वेस्टमेंट बैंकर इस रिश्ते में क्यों इन्वेस्ट करेगा? अगर आपकी टानिया इसी तरह डांस वांस करती रही तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी को करना होगा टाटा बाय बाय। फिर यही कहीं ढूंढ लेना कोई लोकल शोकल, पिंकी या टानिया। और मेरी राय में वो लोकल शोकल भी नहीं मिलेगा। तिवारी जी, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, समझाओ इसको। कोई कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी का जो मन करेगा वो वही करेगी। अगर वो डांस में जाना चाहती है तो वो डांस में जाएगी, अगर वो स्पोर्ट्स में जाना चाहती है तो वो स्पोर्ट्स में जाएगी। हर किसी को अपने सपने जीने का पूरा हक होना चाहिए। आपका जो मन करता है वही करो, मेरी अम्मी कहती थी। ये इतने अजीब तरीके से क्यों देख रहा है? कौन है ये? मेरा स्टॉकर। अच्छा, स्टॉकर मतलब? मतलब ऐसा बदतमीज इंसान जो साय की तरह पीछे ही पड़ जाता है। इग्नोर हिम। डांस अमर, तू क्या कर रहा है अपनी लाइफ के साथ? तू तो एक्टर बनना चाह रहा था ना, अब ये डांस का शौक कहां से पाल लिया? डांस में क्या बुराई है पापा? बेटा, बुराई किसी भी काम में भी नहीं है, बस उसे शिद्दत से करना चाहिए। पता नहीं कौन सा भूत सवार है। भूत ही तो है पापा। Please welcome our special judge, ace choreographer, writer, director, Farah Khan. Guys, अगली टीम जो परफॉर्म करने वाली है वो इस साल की वाइल्ड कार्ड एंट्री है, द स्कॉर्पियंस। Guys are next. It's showtime, guys. Let's go. Aja. Scorpions ki dhamakedar performance ke baad, hamare agle contestant hai Rocket Gang. Oh ho ho, kya baat hai, chamki chamki. Abey ye moti to sees tod degi.
काय बोला? ये स्टेज तोड़ेगी, मैं तेरा मुंह तोड़ देगी, समझता क्या अपने आप को? हां चल 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 परफॉर्म कर, फिर बाहर मिल। चल गाइस, वी हैव टू फोकस नाउ। जजेस, आपको कैसा लगा हमारा रॉकेट गैंग? रॉकेट गैंग, it was electrifying, grand premier performance. I think so, you know, keep it up. It was a great fusion concept. मेरे लिए था ये सटैक वाला अटैक परफॉर्मेंस। I think Bosco Caesar ने सभी कुछ कह दिया, but I thought it was one of the most unique acts. You are so energetic and technically perfect. All I would say is, Scorpions, watch out for Rocket Gang. सर बोल रहा था मुझे डेंगू हो गया और यहाँ सेल्फी खिंचा रहे लड़कियों के साथ। क्या बे सेल्फी खिंचाते? अच्छा क्या रे बुन्नू, तेरे को डेंगू हुआ था ना? डेंगू में इंसान चल नहीं सकता और तू नाच रहा है, वो भी नेशनल टेलीविजन पे। तू तो स्टार हो गया यार। बोल स्टार। सर आपने कब बोला था शो में जाने को? मैंने बोला कब बोला? बुनू एक सेल्फी प्लीज। कब बोला मैंने? अच्छा नहीं बोला? ओ शायद डेंगू का बुखार सर पे चढ़ गया था ना इसलिए। झूठ पे झूठ, तूने अगर ये शो नहीं छोड़ा ना तो ये नौकरी जरूर छूट जाएगी, समझा? चल स्माइल। हाय पिया। हाय। हम नेक्स्ट वीक एक बहुत बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए एड शूट करने वाले हैं। ओके। वुड यू लाइक टू स्टाइल आवर मॉडल्स फॉर इट? वाओ, थैंक यू सो मच मैम, इट्स एन ऑनर, पर मैं नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। मुझे बुरा लग रहा है, हमारे कारण पिया ने इतना बड़ा ऑफर मना कर दिया। तो अभी भी जिंदा है ना, आगे भी चांस मिल सकता है। यहाँ लोग फॉरेन कंट्री में बैठे लोगों को वीडियो कॉल में देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे लोग ना जो असली टैलेंट दिखाकर नाच रहे हैं ना, उन्हें कोई नहीं देख सकता। Hey, fantastic, unreal, superb, scorpion, amazing, yeah. मोंटू, ले लेंगे हमारा नाम, अभी इतना टाइम दिया है, थोड़ा और दे दे।
आई थिंक ये वर्क करना चाहिए। आई थिंक मत बोल यार। अमर तुम बच्चों का नाम क्यों नहीं ले रहे? सही टाइम आने पे लूंगा, जस्ट ट्रस्ट मी। टाइम? अमर गॉड नोस तुम्हारा ये टाइम कब आएगा। तुम जब देखो भड़कती क्यों रहती हो? ये योगा तुम पे असर नहीं कर रहा बाय द वे। मुझे वो पास करियो। करना ही बेकार है ये। यू गाइस मैंने कुछ कहा अभी? यार तू उसे हमारे प्लान के बारे में क्यों नहीं बता रहा? पहले हमें तो पता चले ये प्लान काम भी कर रहा है या नहीं। कॉपी पेस्ट। मैं सही कर रहा हूँ क्या? मुझे कैसे पता यार साहब। हाँ अमर निकल जा, मैं निकल रहा हूँ। हाँ बाय बाय। ओए इधर। सर मेरी शिफ्ट खत्म हो गई थी तो। कस्टमर ज्यादा हैं, ओवरटाइम करना पड़ेगा ना। वी हैव रिस्पांसिबिलिटीज। कम ऑन क्विकली चेंज। सर सब लोग वेट कर रहे हैं रिहर्सल पे। ए काय कर रिहर्सल? इस देश में ऐसे बहुत सारे शोज होते रहते हैं। शो खत्म, तू भी खत्म, समझा? उसके बाद यहाँ मत आना नौकरी की भीख मांगते हुए। ब्लडी मेस। इधर उधर क्या देख रहा है? दिमाग खराब है तेरा? अस्मत तेरे को वर्क एथिक्स नहीं है। व्हेनेवर यू आर कमिंग यू आर नॉट कमिंग ऑन टाइम, यू डोंट इवन अंडरस्टैंड। और हंसा है यहाँ पे, बहाने पे बहाने देता रहता है। यू आर नथिंग बट वन ब्लडी मेस। ऑफ कपाल के रखा है मैंने। व्हाट आर यू डूइंग? इससे नौकरी कौन देता है? यार रॉकेट गैंग छा गया, पूरा ऑफिस तेरे लिए वोट करेगा। क्यों गाइस? वैसे ऑफिस आना कैसे हुआ? वो क्या है ना, मैं अपने पुराने दोस्तों को कैसे भूल सकता हूँ। अरे मैकेनिक साहब, बड़े दिन बाद। अच्छा हुआ आप आ गए। क्या है सवेरे से बाथरूम का फ्लश खराब है? बहुत बदबू आ रही है जी। चाहिए अपने हाथों का जादू दिखाइए, चलो। अच्छा what I'm going to present in front of you is a research of 6 months. Just keeping in mind one thing, your needs. What do you need? And we have the answer. Yes. Shall I? Shall we? Sure. Sorry, पता नहीं कैसे उतर गई। क्या कर रहे हो तुम? So sorry, I'm so sorry. You start the presentation. Presentation, yes. Here we go. Sir, 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 ये मेरी नहीं है सर, मैंने नहीं बनाई है सर। आ गई। सर,
सर मैंने नहीं किया सर, सच बता। What is this? Is it your presentation or your own MMS presentation? I can't handle this anymore. This deal is cancelled. I'm leaving. Sir, please, 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 Which of course means hacking for good. मगर क्या है ना, किसी को तेरे दिमाग के साथ भी हैकिंग करनी चाहिए यार। तुझे पता है क्या? मैं आजकल टेक प्रॉब्लम्स के साथ साथ ना इंसानों को भी ठीक कर रहा हूँ। कर रहा है डीआईडी की फिनाले का, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियंस, रॉकेट गैंग, रॉकेट, रॉकेट, रॉकेट गैंग, रॉकेट गैंग, रॉकेट गैंग, ऑल द बेस्ट रॉकेट गैंग। बहुत मजा आता है ना मेरा पीछा करने में। अब तेरे पीछे जो लगने वाला है ना, बैंड बजने वाली है तेरी। शॉपिंग करने कहाँ जाना पसंद करोगी, दुबई या फिर यूरोप? मैं सोच रहा था इस बार दुबई होकर यूरोप चलेंगे। कहीं नहीं जाएगी। जस्ट अ सजेशन पिंकी, ये मांगलिक वांगलिक कुछ नहीं होता, कर्म अच्छे होने चाहिए। और एक और hey! ये तिवारी जैसे फ्रॉड आदमी से तो दूर रहना ही बेटर है। आवाज करिए, तानिया तुम यहाँ कैसे? बेचारे माँ बाप के इमोशंस के साथ खेल के अपने बिजनेस के लिए दूसरों की लाइफ बर्बाद करते हो, रिश्तों के नाम पे इमोशनल ब्लैकमेल करके हमें प्रोडक्ट की तरह बेचते हो और फिर उन्हीं टूटे हुए रिश्तों की दावत खाते हो। बड़ा शौक है ना लोगों के घर शादी का लड्डू ले जाने का। I have diabetes. I know.
आज तो सारे लड्डू जिंदगी भर के एक रात में खाएगा। I wish, पर ये लड्डू शुगर फ्री थे। गाइस किसी ने हमें टैग किया है। सी एक साल हो गया यार। टुडे इज अ स्पेशल डे। आज हम अपने प्यारे रॉकेट गैंग की याद में सारे इकट्ठे हुए हैं। लेट्स रिमेम्बर द डिपार्टेड सोल। रॉकेट गैंग के फैंस हैं। उनके नाम से डीआईडी में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। हम बस यहां आपकी ब्लेसिंग्स लेने आए हैं और वहां पे आपको इनवाइट भी करना चाहते हैं। हमारी एक विश है, कैन वी गेट अ हग? आधे लोग यहाँ पे आ जाइए प्लीज। पैक करो उसको। थैंक यू मैम, ये रहा आपका सामान और ये बिल। शो सॉरी मैम, आपका बिल आप कैश मार दीजिए प्लीज। अमर इट्स हाई टाइम, बच्चों का नाम ले लो। तानिया ट्रस्ट मी, मैं लूंगा। इट्स जस्ट नॉट द राइट टाइम। ट्रस्ट यू? कैसे अमर, तुमने आज तक मेरे प्यार की रिस्पेक्ट नहीं की और ना अपने डैड के काम की है। तानिया आई एम सीरियस। अमर प्लीज, ऑनेस्टली आई डोंट नो कि तुम सीरियस कब हो और एक्टिंग कब कर रहे हो। ऐसे लगता है जैसे हम सब तुम्हारी फिल्म के कैरेक्टर्स हैं जो तुम्हारी मर्जी के अकॉर्डिंगली चलते हैं। तानिया मैंने बच्चों के लिए कुछ प्लान किया है। आई कैन सी। तुमने क्या प्लान किया? तुम्हें शो के फेम को यूज करके अपने फिल्म के ऑडिशंस देने में ज्यादा बिजी हो। तुम्हें सीरियसली ये लगता है? पता है जिस प्रोड्यूसर की मीटिंग के कारण मैं तुम्हारे मॉम डैड से नहीं मिल पाया था, आज उस फिल्म का फाइनल लुक टेस्ट है।
बना दिया। परफॉर्मेंस के बाद हम सब रोमांटिक हो गए। हाय बख्तियार। इट वाज सिंपली माइंड ब्लोइंग। तुम लोगों को देखकर मुझे रोमांटिक फील हो रहा है। तुम्हें जो कुछ भी फील हो रहा है, जजेस आपको क्या फील हो रहा है? वो रॉकेट गैंग, आई थिंक यू गाइस वर मैजिकल। और सबसे अच्छी बात है कि आपके परफॉर्मेंस में एक स्टोरी थी। यू गॉट मी। लेकिन बॉस को टेरेंस, मुझे लगता है कि टानिया एंड अमारा इन लव। Whoa! I think love is in the air. सर, दिल की बात तो डांस में दिखी जाती है। अरे यार, अमर सो ट्रू, because आपके डांस में वो केमिस्ट्री दिखी। Thank you. This was a चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। I agree. Thank you. Yes, let's go, guys. Fantastic. Woohoo! बात है यार। I'm waiting for the next performance. Rocket Gang. Woohoo! Yes, we know. Scorpions are the best. Team Rocket Gang, आपको DID के फिनाले तक पहुंचकर कैसा लग रहा है? हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डांस के सबसे बड़ी स्टेज पे एक दिन हम होंगे। हमारे फैंस के प्यार की वजह से आज हम यहाँ हैं। I mean, इस शो ने हम सबकी लाइफ में एक नया मोड़ ला दिया है। Wow, that's great. और ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि हम सब आज यहाँ इस मंच पर खड़े हैं। Actually, हम सब बहुत ज़्यादा excited हैं फिनाले को लेकर। Oh wow, that's great. क्योंकि it's gonna be the first time audience कुछ बहुत अलग देखने वाली है। We are What's up, Jokers? हाँ चलो। पता है पिछले बार भी हमारी एकेडमी के अगेंस्ट कंपीट करने एक रॉकेट गैंग आया था, पर हमारे डर से उन लोग का रॉकेट तोड़ गया। हमेशा के लिए। अब तुम लोग फिर से आए हो और तुम सब भी उड़ी जाओगे हमेशा के लिए। कभी किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। पता नहीं कब भगवान किसकी बात पे तथास्तु बोल दे। अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। बच्चर, बच्चर। सुनना, ज्ञान देना बंद कर। दम है ना, आज क्लब निर्वाणा आ जाना। नो रूल्स, नो जजेस। ऑडियंस डिसाइड करेगी हु इज द बेस्ट। गाइस अवॉइड यार। हट रहा है। व्हाट डू यू थिंक गाइस? क्या बात है हीरो, अब तू इस लड़की से परमिशन लेगा आने के लिए भी? तेरे बाप ने भी तेरी माँ से परमिशन ली होगी, तब जाके तू पैदा हुआ। क्या बात कर रहा है? व्हाट्स अप बेबी, दिखा दे इनको इनकी औकात। तथास्तु। स्कॉर्पियंस को अपना चमत्कार दिखाना। What do we do? जाओ, जलील होकर आ जाओ।
I'm sorry, I can't. मैं आपको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दे सकती. It looks really bad. It's a proper fracture. अगर आप अभी डांस करोगे, it will really harm your health. Let's pray that he recovers soon. Yeah, he should. डॉक्टर इसे दुआ की नहीं दवा की जरूरत है. Yeah, but मैनेज कर लूँगा. नहीं. फाइल्स बस दो दिन दूर है. हम सब ने बहुत मेहनत की है. मैं अलाउ ही नहीं कर सकती आपको. अमर, you can't take this lightly. ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम बन सकती है. She's right. Guys, as per the rules, आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे. No, guys, there has to be a way. Sorry, but हमें आपको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा. लेजर यहाँ से निकलेगी और यहाँ स्ट्राइक करेगी. जब हमारा टाइमर रन आउट हो जाएगा तो इस एरिया पे इल्यूजन होगी. तो रेडी है ना? बताएं? बता दे. ओके गाइस, तुम्हें एक सीक्रेट जानना है जो अभी तक सिर्फ मुझे और साहिब को पता है. मोंटू, मिरर के सामने खड़े हो ना. साहिब, यू आर अप. क्या कर रहे हो तुम लोग? इफ दिस इज सम स्टूपिड प्रैंक. रेडी गाइस? पुनु, जा मिरर रोटेट कर. डरना मन्ना है, जस्ट कीप द जोश, क्योंकि आज है DIG, द बैटल ऑफ द चैंपियंस. और आज के हमारे चार फाइनलिस्ट हैं कथक रॉकर्स, अनरियल क्रू, द स्कॉर्पियंस एंड रॉकेट गैंग. प्लीज वेलकम द सेंसेशनल, द ग्लैमरस नोरा फतेही. के लिए सबसे पहले हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे मेरी बर्थ साइन, मारी राशि. ये कभी नहीं सुधरेगा. सो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम द स्कॉर्पियन. Amazing. They were fantastic. You guys killed it. But you already know where my heart lies. So presenting Rocket Gang. Let the fireworks begin. Stage pe aap bulate hamare next contestant, the Rocket Gang.
Switch to camera 4, guys. Jimmy Jim, Jim camera in. आज हमारे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट दिन पे हम आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। क्या नाटक लगा रखा है भाई ये लोगों ने? हमारी एक स्टूपिड सी सेल्फी के चक्कर में 5 बच्चों की जान चली गई। सर क्या बोल रही है? नहीं, कट करें? चलने दे, टीआरपी के लिए अच्छा है। रॉकेट गैंग, ज़ूम करना। लेकिन किस्मत ने हमें उनसे फिर से मिलवाया। अभी आपने हमारे बारे में जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, सब झूठ है। क्योंकि अब तक इस स्टेज पर हम नहीं, हमारे अंदर से आपके बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। डांस के सबसे बड़े स्टेज पे परफॉर्म करने का सपना हमारा नहीं था। आपके बच्चों का था। हम तो बस एक जरिया थे उनका अधूरा सपना पूरा करने का। तो आज इस स्टेज पर वही परफॉर्म करेंगे। So for one final time, ladies and gentlemen, please put your hands together for the original Rocket Gang. I think it's a part of the act. Quite interesting, huh?
पिछले बार भी हम परफॉर्म नहीं कर पाए थे, इस बार तो हमारी हेल्प करो प्लीज। किस बात की गौड़ हो तुम, इतना भी नहीं कर सकते? एक आखिरी बार हमें अपनी मॉम के लिए परफॉर्म करने दो प्लीज। What happened? Yes sir, auxiliary cable cut हुआ है क्या? Please check on. Hey guys, I'm losing time. चार परफॉर्मेंसेस बाकी हैं. Check. What happened to the lights? All Umesh. Checking. तथास्तु. खोल दो यार, अब तो बच्चे भी आ गए, प्लीज। आप यमदूत हो? डूड नहीं, दूत होता है, और नहीं मैं यमदूत नहीं हूँ। गॉड हो? नहीं, वो मेरे बॉस है, मैं एंजल हूँ। यहाँ क्यों बैठे हैं? गेट पास बन रहा है। आईडी नहीं है क्या? नहीं, अभी तक नहीं बनी, इंटर्न हूँ, फर्स्ट असाइनमेंट। ये हेवन है या हेल? बच्चों के लिए हेवन या हेल नहीं होता, हेवन से भी प्यारी एक स्पेशल जगह होती है। सुनो, जब अंदर पहुंचेंगे प्लीज मुझे अच्छी रेटिंग देना। एक शर्त पे। क्या? डांस करके दिखाओ तो देंगे। सोच लो, या तो डांस या तो नौकरी कई। ओ हीरो, बातें कम डांस ज्यादा। डांस?